प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में यूपी में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान मोदी कुल 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। लोकदल ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लोकदल ने सपा संरक्षित मुलायम सिंह यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। ये भी कहा गया है कि सपा पर नेताजी लोकदल के अध्यक्ष बनने के लिए राजी हो गए हैं, जल्द ही इसकी घोषणा होगी। लखीमपुर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने उस पार्टी से समझौता कर लिया है जिसमें 2 महीने पहले ही खटिया पकड़ लिया था। हाथरस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का रोड शो हुआ है। रोड शो में कांग्रेस के पदाधिकारी साथ साथ सपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कांग्रेस के गठबंधन के बाद अलीगढ़ के 3 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए रोड शो करने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर पहुंचे। यहां पर राज बब्बर ने कोल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक बंसल के समर्थन में रोड शो किया। शामली के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में अजीत सिंह की रैली में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों के साथ जमकर के बदसलूकी की है और उनके कैमरों को भी छूने का प्रयास किया। आरएलडी कार्यकर्ता अपने विधानसभा प्रत्याशी की पाकिस्तानी प्रेमी वाले बयान को खबर चलाने से नाराज थे। फतेहपुर में 5वें दिन नामांकन के दौरान बीजेपी और बसपा समर्थकों के बीच उस समय झड़प हो गई जब सभी बीजेपी प्रत्याशी एक साथ नामांकन के लिए अपने कार्यालय से जुलूस बना करके निकले। फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री और जिले की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, सरकार बनते ही कैराना मामले की जांच कराई जाएगी। बुंदेलखंड के बांदा में अनोखा नामांकन जुलूस देखने को मिला है। मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी ने भारी तादाद में महिलाओं और विकलांगों के साथ जुलूस निकाला। यही नहीं, इस प्रत्याशी ने यहां जहां खुद को बेड़ियों से जकड़ रखा था।